अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ बड़े गले को छोटा करने का तरीका जो है वो शेयर करने वाली हूँ। इसकी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से इसको छोटा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक रेडीमेड स्टाइल कुर्ता है, ठीक है। तो इसका जो नेक है ना, बहुत ज़्यादा डीप है। तो हम इसको किस तरीके से छोटा करेंगे, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये देखें, ये जो कुर्ता है ये 9 से 10 साल की बच्ची का है। तो उस 10 साल की बच्ची के लिए इसका जो नेक है बहुत ज़्यादा डीप है। तो अब हम इसको छोटा करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, इसके अंदर जो मेरी जो कढ़ाई है इस कुर्ते के अंदर, तो मैं उसी कलर में एक मैं कपड़ा लूँगी। ये देखें, मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में लिया है, तो इसको मैंने फ़ोल्ड करते हुए इसको प्रेस कर लिया है। तो प्रेस किया है और इसकी शेप जो है मैंने वी में ही कट की है, जैसे कि मेरा नेक जो है वी में है, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी शेप को कट कर लिया है। अब हम इसको कैसे इसके अंदर फिक्स करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये नेक है ना, इसकी लेंथ जो है कितनी है, ठीक है। इंचेस टेप की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि हमारी इसकी लेंथ जो है कितनी है। तो इसकी लेंथ जो है तकरीबन रेडीमेड में 7.5 इंच उन्होंने इसकी लंबाई रखी है, ठीक है। तो जो मुझे तैयार चाहिए ना, मुझे तो 4 इंच चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 4 इंच के फासले पे दोनों साइड्स पे हम लोग इसके निशान लगा लेंगे। इस तरह देखें, हमने किसी भी कलर से या पेंसिल से हमने 4 इंच के फासले पर दोनों साइड पर निशान लगा लिया है कि मुझे इसकी लंबाई जो है 4 इंच चाहिए, ठीक है। ये देखें, 4 इंच के निशान लगाने के बाद हम कपड़े को ऐसे अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम पिंस लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है स्लाइड करते हुए हिले नहीं, ठीक है। ये देखें, हमने पिंस लगा ली हैं और हम इसको यहाँ से ऐसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टिच करेंगे हम, तो स्टिच हम कर लेंगे इस तरह से सारे अपने नेक को और अपनी पिन को हटाते जाएंगे और इसकी सिलाई को कम्प्लीट कर लेंगे। देखिए, मैंने अपनी सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बैक साइड पे तरपाई कर देंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए, जो कपड़ा, ताकि धागे ना निकले, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है बड़े गले को छोटे करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।